बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और टेस्टी चिकन बिरयानी। इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाला है कुकिंग ऑयल, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे दो प्याज जिनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को हल्का सरा पिंक करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सारा भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं प्लम टमाटो। आपके पास प्लम टमाटो ना हो तो आप सादे टमाटर भी यूज कर सकते हैं। जब मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए तो हमने यहाँ शामिल किया है बिरयानी मसाले का पैकेट, थोड़ी सारी कुटी हुई मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला और 3-4 दाने सूखे हुए आलू बुखारे के। मसाले को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन और मसाले को तकरीबन 10 से 15 मिनट भूनने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको हल्की आंच पर पका लेंगे। चिकन ने पानी छोड़ दिया है, हम इसी चिकन के पानी के अंदर चिकन को अच्छे तरीके से पका लेंगे। इतनी देर में हमारी चिकन पक रही है, हमने यहाँ पानी उबाल लिया है, उसमें डालेंगे 2 नींबू, जीरा, तेजपत्ता और भीगे हुए चावल जिनको हमने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। हमने यहाँ पर 2 कप के करीब चावल भिगोए थे, इसलिए हमने इसके अंदर डाले हैं 2 चम्मच नमक। चावलों को हमने तकरीबन 80-90% तक कुक कर लिया है। अब हम चावलों का पानी उतार लेंगे। चिकन भी हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है चिकन के अंदर से। अब हम इसको दम लगा लेंगे। हमने आंच को धीमा करके उसके ऊपर चावलों की तह लगा दी है। अब हमने उसके ऊपर फ्राई किए हुए अनियन लगा लिए हैं, साथ ही हमने इसके ऊपर डाली है 2-3 हरी मिर्चें, कुछ पुदीने के पत्ते और थोड़ा सारा जर्दा कलर। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर दम दे लेंगे। माशाल्लाह दम आ चुका है, चावल बहुत मजे के पके हैं। आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।